हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, मैं लक्ष्मण चंदा फिर से आ गया हूँ कास्ट जेडी की नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की अपकमिंग बोलेरो नियो के बारे में, जो अभी 15 जुलाई को लॉन्च होने वाली है इंडियन कार मार्केट के बारे में। क्या क्या इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा, कैसे इसके फीचर रहेंगे, कैसे इसके एक्सटीरियर लुक रहेंगे, क्या क्या प्राइसिंग रहेगी इसकी, और क्या क्या देखने को मिलेगा इसके इंटीरियर में, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में डिटेल में। एंड कौन सा इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ये गाड़ी भी 4x4 में आएगी या फिर फ्रंट व्हील ड्राइव या रेयर व्हील ड्राइव में आएगी, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। बिना टाइम वेस्ट करें यहीं से करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बोलेरो और नियो की लॉन्च डेट। ये गाड़ी आपको 15 जुलाई को देखने को मिल जाएगी इंडियन कार मार्केट के अंदर। ये गाड़ी आपको देखने में लगेगी टीयूवी जैसी, क्योंकि ये टीयूवी का ही फेसलिफ्ट है, जिसे नाम दिया गया है बोलेरो नियो। जो पहले बोलेरो स्टैंडर्ड आती थी, उसे हम विलेज वगैरह रूरल एरियाज में ज्यादा देखने को मिलती थी। वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा लगाव था इस गाड़ी से। उसके अलावा सिटी में भी ये गाड़ी आपको देखने को मिलती थी, बट रूरल एरियाज में ज्यादा आपको ये गाड़ी देखने को मिलती थी। एंड कोई भी रूरल एरिया में दमदार गाड़ी खरीदने जाता था, उसकी जुबान पे पहला नाम बोलेरो ही रहता था। इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है, वो अब आपको 8.50 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में देखने को मिलेगी एक्स शोरूम प्राइस। एंड जो इसके ऑन रोड प्राइस रहेंगे, वो आपको थोड़े से ऊपर देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम ये 12-13 लाख से ऊपर गाड़ी नहीं जाने वाली। 12-13 लाख के अंदर आपको एक कंप्लीट बढ़िया एसयूवी देखने को मिलेगी, 7 सीटर, जो कि काफी दमदार है। एंड इसकी सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी भी काफी बढ़िया देखने को मिलेगी आपको इसमें। खैर, सेफ्टी की आगे बात करते हैं, पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर लुक इसके सिमिलर एज TUV 300, बिकॉज दिस इज अ फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ TUV 300, बट इट्स न्यू नेम इज बोलेरो न्यू। फ्रंट में आपको काफी दमदार ग्रिल देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ आपको LED DRS देखने को मिलेंगे। एंड इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह भी देखने को मिलेंगे इसके अंदर। रेयर में आपको माउंटेड स्टेपनी देखने को मिलेगी, एंड विद स्पॉइलर एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। उसके अलावा इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा रिवर्स पार्किंग सेंसर विद रिवर्स कैमरा। एंड इसकी लुक जो है काफी स्पोर्टी बनाई गई है इस बार। ये आपको गाड़ी डुअल टोन में भी देखने को मिलेगी, डुअल टोन में ये गाड़ी देखने में काफी शानदार लगती है। उसके अलावा साइड से भी देखने में ये गाड़ी काफी मस्कुलर सी लग रही है, बॉक्सी सी लुक दे रही है। पूरा एक्सटीरियर देखने पे लग रहा है इसका कि एक दमदार गाड़ी है ये। एंड ये गाड़ी अब आपको रेयर व्हील ड्राइव देखने को मिलेगी। इस गाड़ी से आप काफी बढ़िया ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। एंड इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है पहले से। पहले वाली टीयूवी और बोलेरो स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलेगी, साथ साथ आपको साइड का फुट स्टेप भी देखने को मिलेगा। इंटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको थार जैसा इंटीरियर कुछ देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्टेयरिंग व्हील जो है सिमिलर एज थार मिलेगा, एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी थार में जो आपको देखने को मिलता है वही सेम देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको महिंद्रा का जो हाल ही में चल रहा है थार के अंदर भी आया हुआ है इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन जैसे सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड गाड़ी में होने चाहिए। उसके अलावा इस गाड़ी में आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे फ्रंट में, ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड। इसका जो इंटीरियर है वो पूरा ऑल ब्लैक थीम में रहने वाला है, जो देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। उसके अलावा इसमें आपको फुल्ली लेदर हीट सीट देखने को मिलेंगी, एंड ड्राइविंग साइड सीट जो रहेगी वो मैनुअली हाइट एंड रिक्लाइन डिक्लाइन एडजस्टेबल देखने को मिलेगी। इसी प्राइस सेगमेंट में 8 से लेकर 10 लाख के बीच में आपको और भी गाड़ियां देखने को मिलती है एसयूवी ही इंडियन कार मार्केट के अंदर, जैसे कि मारुति की विटारा, ब्रेजा होगी, टाटा नेक्सोन, ह्यूंडई वेन्यू, निसान की रेनॉल्ट डस्टर। इन सबसे काफी बढ़िया पैकेज प्रोवाइड करने वाला महिंद्रा इस गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी काफी मस्कुलर आपको देखने को मिलेगी, इसका बॉडी रोल वगैरह भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। महिंद्रा की गाड़ियां तो ऑब्वियसली आपको इसमें सेफ्टी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। महिंद्रा की सारी गाड़ियां सेफेस्ट होती है। जब से स्कॉर्पियो ने मार खाई है इंडियन कार मार्केट के अंदर, तब से महिंद्रा अपनी गाड़ी पे काफी ध्यान देने लगे हैं, सेफ्टी वाइज भी एंड उसके फीचर्स एंड क्वालिटी वाइज भी। इस गाड़ी में आपको वही सेम महिंद्रा का 1.5 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो प्रोड्यूस करते हैं 113 bhp मैक्स पावर एंड 191 Nm का टॉर्क। सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी में आपको ABS प्लस ABD देखने को मिलेंगे, एंड उसके साथ साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर विद रिवर्स पार्किंग कैमरा। फ्रंट में आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे, ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड। फ्रंट एंड रेयर में सीट बेल्ट वार्निंग, डोर हजार वार्निंग, फ्रंट एंड साइड इंपैक्ट बीम, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक। एंड जो इसका प्लेटफॉर्म है वो बेस है लैडर प्लेटफॉर्म महिंद्रा का ही, जिसपे महिंद्रा की XUV 500 एंड महिंद्रा की स्कॉर्पियो वगैरह सारी आधे से ज्यादा गाड़ियां महिंद्रा की उसी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। काफी बढ़िया
प्लेटफॉर्म है ये, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। एंड महिंद्रा की बोलेरो तो पहले ही बिल्ड क्वालिटी से जानी जाती है, क्योंकि रूरल एरियाज में इसका एक्सीडेंट वगैरह की पिक्स आ रही होंगी, आप देख सकते हैं ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ इस गाड़ी को। एंड मेन सबसे ज्यादा ये गाड़ी रूरल एरियाज में पसंद की जाती है, सिटी में भी आपको देखने को मिलती है बट सिटी में कम आपको देखने को मिलती है, रूरल एरियाज में ज्यादा देखने को मिलती है ये गाड़ी। तो दोस्तों अगर आप 8 से 10 लाख के या 11 12 लाख के बीच में कोई गाड़ी देख रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, एक 7 सीटर एसयूवी, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। इसके लुक्स वगैरह भी काफी बढ़िया है एंड ये देखने में भी काफी स्पोर्टी लग रही है। इस बार बढ़िया तो खैर ये पहले से ही थी, और इस बार इसमें फीचर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, पहले वाली बोलेरो में आपको ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते थे। इसमें आपको 4 स्पीकर विद 1 सबवूफर देखने को मिलेगा, उसके अलावा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। फीचर्स तो आपको भर भर के देखने को मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर, जो एक स्टैंडर्ड फीचर एक गाड़ी में होने ही चाहिए वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर, और बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो बढ़िया रहने ही वाली है। अभी तक हमारे पास इस गाड़ी को लेकर इतनी ही डिटेल आई है, वो हमने अब तक प्रोवाइड कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक आती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।